हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. सो स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर. सो टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 री ऋषि की मात्रा वाले शब्द. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बड़ी यू की मात्रा वाले शब्द बताए थे. उससे पहले बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी कविता है, वो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ. तो दिस इज योर कोर्स बुक टिम टिम सीनियर केजी एंड दिस इज योर टुडेज टॉपिक कविता एंड न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7. गॉट इट? तो व्हाट इज द कविता? आओ गुनगुनाए. ठीक है, कविता का जो शीर्षक है हमारा वो क्या है? आओ गुनगुनाए. सो तितली रानी, तितली रानी, तुम कहाँ से आई हो? इतने सुंदर पंख निराले कहाँ से लेकर आई हो? रोटी दाल की चाह नहीं, फूलों का रस तुम पीती हो. अब क्या है इस कविता में? जो तितली होती है, जो बटरफ्लाई होती है, वो हमारी क्या होती है, उनके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं. वो क्या होती है? कलरफुल होती है. आपने भी देखी होगी कि आप कहीं जाते हैं तो आपको भी तितलियां वगैरह दिखती होती, तो वो क्या होती है? बहुत सुंदर होती हैं. ठीक है, जो तितली क्या होती है, अब वो पूछती है, हम पूछते हैं कि तितली से कि आप कहाँ से आई हो और इतने सुंदर पंख कहाँ से लेकर आई हो. और जो तितली होती है वो क्या होती है? फूलों का रस पीकर अपना जीवन व्यतीत करती है. और हम क्या करते हैं? अपना जीवन किससे करते हैं? दाल रोटी अनाज खा के. लेकिन जो तितली होती है वो क्या करती है? बस ओनली फूलों का रस पीकर ही जीवित रहती है. ठीक है, तो इस कविता में तितली के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा री ऋषि की मात्रा, चैप्टर नंबर 7, ऋषि की मात्रा. अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है? ऋषि की मात्रा. तो साउंड से क्या हो रहा है कि इसमें किसका साउंड आएगा? री का. किसका साउंड आएगा? री का. ठीक है, कैसे बोलेंगे हम? री ऋषि की मात्रा. तो इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है? जो अक्षर होता है उसके नीच में आधा सर्किल करके होती है. ठीक है, जिससे इस तरीके से. तो माँ में अगर ऋषि की मात्रा हम लगा देते हैं तो क्या होता है? मृ. क्या हुआ? मृ. देखो साउंड आ रहा है बच्चों, मृ. री का साउंड आ रहा है, मृ प्लस ग, तो क्या बना? मृग. व के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो हम वृ प्लक्ष, तो इज इक्वल टू वृक्ष. न में हमने री की मात्रा लगाई तो नृ प्लस प, तो नृप. ग में हमने री की मात्रा लगाई तो ग्रह. हाँ, गृह जो हमारा घर होता है उसको क्या बोलते हैं? गृह. घ में री की मात्रा लगाई तो घृत. घृत मतलब घी. व में री की मात्रा लगाई तो वृ. द में हलंत लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ज दो द है वो क्या है? आधा द है प्लस द, तो वृद्ध. वृद्ध मीन्स क्या होता है बच्चों? बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वृद्ध बोलते हैं. अब देखिए आप अगेन, क से ज्ञ तक ऋषि की मात्रा पढ़ो. अब हमने क्या करा इसमें बुक, नोटबुक में ऋषि की मात्रा, सॉरी, पहले हमने व्यंजन्स लिखे, सारे व्यंजनों को लिखा है, और उसके बाद उसके नीचे क्या लगाया है? सबके नीचे री ऋषि की मात्रा लगाई है. तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से सारे व्यंजन को लिखेंगे और उसके नीचे ऋषि की मात्रा लगाकर व्यंजन को पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से.
ये व्यंजन के मैंने लेटर लिख दिए हैं, सारे अक्षर लिख दिए हैं, उनके नीचे मैंने ऋषि की मात्रा लगा दी है। और यहाँ पे क्या है, मैंने इस तरीके से आपको होमवर्क दिया है कि क से ज्ञ तक ऋषि की मात्रा लगाओ। तो आपको क ख ग पूरे ज्ञ तक लिखना है, फिर उसके बाद इस तरीके से री की मात्रा लगानी है। तो ये क्या करना है आपको, आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है। अब नोटबुक में करने के बाद क्या है, अब हमने ऋषि की मात्रा वाले वर्ड पढ़े हैं, तो किस तरीके से पढ़ेंगे हम, एक बार मैं वापस से पढ़ती हूँ। मृग, वृक्ष, नृप, गृह, धृत एंड वृद्ध। देखो सबके पीछे री की मात्रा, री का साउंड आ रहा है ना, इसलिए ये क्या है, री की मात्रा। अब हमने जो बुक में अक्षर वर्ड पढ़े थे, हमने उसको क्या कर दिया, अपनी नोटबुक में लिख दिया है। इस तरीके से लिखने का तरीका वही है जैसे हम लिखते आ रहे हैं, लास्ट लास्ट 6 चैप्टर में हमने भी लिखे थे। आप एक एक करके इन सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये है आपका होमवर्क। चैप्टर नंबर 7, ऋषि की मात्रा, पेज नंबर है हमारा 63 to 64। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हैं आपको, उनको मिलाकर यहाँ पर एक शब्द बनाना है री ऋषि की मात्रा को लेके, ठीक है। तो क्र में री की मात्रा लगी तो कृत, कृत। मा में ऋषि की मात्रा लगी तो मृत, फिर वा में ऋषि की मात्रा लगी तो व्री, फिर था तो वृथा, फिर द में ऋ की मात्रा लगी तो दृ, फिर शा, दृश्य, दृशा, क्या है, दृशा। का में ऋ की मात्रा लगी तो कृ प्लस पा तो कृपा। ता में ऋ की मात्रा लगी तो त्रि प्लस ऋण, तृण, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है, इन सारे वर्ड्स को मिलाकर या सारे अक्षर को मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, वही घर पे इनकी वर्ड्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि आपको किस तरीके से री का साउंड निकालना है और अक्षरों को पढ़ना है। और आपको जो होमवर्क दिया है, पहले तो आपको व्यंजन क से लेके ज्ञ तक व्यंजन लिखने हैं, फिर उसके नीचे री की मात्रा लगानी है, फिर उसके बाद आपको ये सारे वर्ड्स किसमें करने हैं, अपनी नोटबुक में, और ये जो आपका वर्क है अलग से, ये आपको किसमें करना है, अपनी नोटबुक में करना है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो बच्चों दिस इज योर होमवर्क एंड डू, और आपको क्या करना है, ये अपने घर पर करना है। तो बच्चों आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है पढ़ने में, तो विदाउट प्रैक्टिस बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज प्रैक्टिस एट योर होम, आप अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए और इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। इस वीडियो में आपको री की मात्रा, री ऋषि की मात्रा तक का यही पढ़ाऊंगी, आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।